News 18 India. News 18 India के इस खास शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में संदेशकाली ममता सरकार के लिए आफत बन चुका है। एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए बंगाल पुलिस से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार आरोपी शाहजहां शेख को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि संदेश खाली में जो चीरहरण हुआ है, क्या उसकी वजह से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? अरे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे। संदेश खाली में चीरहरण, क्या संदेश खाली में सामूहिक रूप से महिलाओं का चीरहरण हुआ है? क्या संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने लादेन की तरह कोहराम मचा रखा था? ये वो आरोप और सवाल हैं जिसे लेकर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 7 फरवरी से हंगामा और गदर मचा हुआ है। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। ममता बनर्जी एक महिला है और महिला होकर जिस तरह से महिला उत्पीड़न को, महिला अत्याचार को वो आंखों देख रही है, तो इसीलिए बोल न खुले वो चाहती है। संदेश खाली की घटना ममता सरकार के लिए नासूर बन गई है। एक तरफ भाजपा उन्हें घेरने के लिए रोज संदेश खाली की सीमा तक जा रही है और पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस भी अब ममता को घेरने लगी है संदेश खाली को लेकर के। उधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तो राष्ट्रपति शासन तक लगाने की बात कर दी है। साफ है कि ये मामला जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी टीएमसी के बीच इसे लेकर के सीधी आर पार की लड़ाई चलती रहेगी। शाहजहां खलनायक, बंगाल में राष्ट्रपति शासन कब? संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली बॉर्डर पर बीजेपी नेताओं की पुलिस से जमकर नोकझोंक हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल बीजेपी के नेता संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से नहीं मिल पाए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि संदेश खाली जाने को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीजेपी नेता राष्ट्रपति से भी मिलने वाले हैं। बीजेपी की कमेटी कल संदेश खाली जा रही थी, मगर पुलिस ने उसे बीच रास्ते से वापस लौटा दिया था। उसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने बंगाल के राज्यपाल से सरकार और पुलिस की शिकायत की थी। ममता बनर्जी से ये संभाला नहीं जाता, तो ममता बनर्जी एक बार अगर बोलेंगे कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है, तो होम मिनिस्ट्री उनको पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है और इस सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य के साथ खड़ा रहेगा। और अगर शेख शाहजहां और ये जो सभी दुष्कृति है इनको ढूंढने में भी उनको केंद्र का मदद चाहिए, वो भी केंद्र करने के लिए प्रस्तुत है। झोंकेंगी नहीं ममता, शेख को बचा रही सरकार। नौबत यहां तक आ गई है कि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम पीड़ित महिलाओं से मिली, तो मारे खौफ के शुरू में पीड़ित महिलाएं सच्चाई बताने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब सुरक्षा का भरोसा मिला तो महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ मुंह खोल दिया। और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम को पता चला कि साल 2011 से संदेश खाली की महिलाओं का ना सिर्फ यौन शोषण हो रहा है, बल्कि मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। यहां तक कि उनकी जमीनों पर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता जबरन कब्जा भी कर रहे हैं।
हकीकत को देखने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने ममता सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहाँ पे जाने की अनुमति दे, और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वहाँ के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं, और उस बेटी बहू को न्याय मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली इलाके का नाम 5 जनवरी से पहले शायद ही किसी ने सुना हो। अब संदेश खाली का नाम देश भर की मीडिया में छाया हुआ है। ममता सरकार सदन में चीख चीख कर कह रही है कि संदेश खाली के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी जानबूझकर संदेश खाली में आग लगाने की कोशिश कर रही है। जरा देखिए ममता बीजेपी पर क्या क्या आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का टारगेट टीएमसी नेता शाहजहां शेख था। बीजेपी बाहर के लोगों को यहां ला रही है। बीजेपी के लोग नकाब पहनकर बयान दे रहे हैं। संदेश खाली आरएसएस का बंकर बन चुका है। हमारी सरकार ने संदेश खाली में अन्याय का समर्थन नहीं किया है। महिला के ऊपर जिस टाइप के अत्याचार वो लोग मिलकर कर रहे हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टी के स्टंप लगे के कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस में बुला बुला के कर रहे हैं, ये बहुत शर्मिंदे का बात है। तो इसलिए हम लोग जो रिपोर्ट बनाया है उधर में पुलिस अधिकारी बड़े अधिकारी मौजूद रहने के बावजूद भी कमीशन का अवॉइड किया है। आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने मुलाकात करके रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश क्या है? वो रिपोर्ट में मुख्य सिफारिश यही है कि अभी उन्होंने कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिमिनल मिल के जो काम कर रहा है, लोगों को बसने का कोई जगह नहीं है। एकमात्र रास्ता है उधर में राष्ट्रपति शासन। शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे, और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे, तो इस तरीके से नहीं चलता। इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती है लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। संदेश खाली का बेताज बादशाह शेख शाहजहां इस मामले में सबसे बड़ा खलनायक है, जिसके खिलाफ महिलाएं गंभीर आरोप लगा रही हैं। कोर्ट में सीबीआई ने शेख शाहजहां की तुलना बिन लादेन तक से कर दी थी, लेकिन न जाने क्या कारण है कि ममता सरकार सदन से लेकर के और सड़क तक शेख शाहजहां का कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आ रही है। शेख को क्यों बचा रही है ममता? महिलाओं से रेप और जमीन पर जबरन कब्जे को लेकर 3 दिन तक संदेश खाली की महिलाएं हाथ में लाठियां लेकर प्रदर्शन करती रही। लेकिन ममता सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। संदेश खाली एक ऐसे चीर हरण की गवाही दे रहा है जिसमें ममता सरकार के नेता और कार्यकर्ता तक शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि साल 2011 से उनके साथ यौन हिंसा हो रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ संदेश खाली में जमे रहे, लेकिन पीड़ित महिलाओं से नहीं मिल पाए। सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि संदेश खाली की महिलाओं की मांग क्या है। महिलाओं का साफ कहना है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से सांठ गांठ करने का आरोप भी लगाया है। टीम आई है, ये टीम। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। संदेश खाली का मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में फेल होने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए विवाद को भड़काने का आरोप लगाया है। एक तरफ संदेश खाली की घटना को लेकर के ममता सरकार जरा भी झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी उन्हें घेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संदेश खाली की महिलाओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ 24 के चुनाव के पहले अगर इस मामले में कड़े कदम नहीं उठाए गए, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो ममता सरकार के लिए ये बड़ी फजीहत बन सकती है। संदेश खाली कांड को लेकर बवाल धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से संदेश खाली के लोग ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश खाली में मचे कोहराम पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। उसके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस भी पूरी सख्ती के साथ प्रदर्शनों से निपट रही है। इस वक्त संदेश खाली कांड से जुड़े 3 आरोपियों को लेकर गदर मचा हुआ है। पहला है टीएमसी नेता शाहजहां शेख, जिस पर संदेश खाली की महिलाओं ने जमीन पर कब्जे और हिंसा के आरोप लगाए हैं। दूसरा है शेख शाहजहां का करीबी शिबू हाजरा, जिसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। जबकि तीसरा है उत्तर सरकार, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उसे गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अब तक प्रदर्शनकारियों ने 3 पोल्ट्री फार्मों को आग के हवाले कर दिया है। संदेश खाली के लोगों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर शेख शाहजहां और उसके करीबियों ने कब्जा किया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि संदेश खाली कांड अचानक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा और जमीन के कब्जे पर खुलासा कैसे हुआ। 7 फरवरी को टीएमसी ने संदेश खाली में एक रैली की, जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। संदेश खाली के लोगों ने शाहजहां शेख पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया, जबकि संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन शोषण करने के आरोप लगाए और गुस्से में आरोपियों की संपत्तियों में आग लगा दी। लगातार 3 दिनों तक संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर डटी रही। मामले को शांत करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख शिबू जैसा क्रिमिनल को और छुपा के रखे हैं कानून के हाथ से, लेकिन कानून का हाथ लंबा है, आज वो काल तो पहुंचेगा ही। लेकिन ममता बनर्जी को लोग और माफ नहीं करेंगे, या तो उनको सत्ता छोड़ना पड़ेगा या तो लोग उसको छुड़ाएंगे। तालिबान बना रहा है, छोटा छोटा तालिबान ममता बनर्जी यहाँ बना करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और बंगाल धीरे धीरे सीरिया जैसा अफगानिस्तान जैसा परिस्थिति बन रही है। कुल मिलाकर संदेश खाली ममता सरकार के लिए बवाल बन चुका है। अगर जल्द ही ममता सरकार ने संदेश खाली पर सख्त कार्यवाही नहीं की तो 24 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में खतर मचा कर रख देगा।